दर्द करने और वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस कारण वे रोगी की देखभाल में शामिल होते हैं, क्योंकि संभाल करने, पहचानने और रोकने में विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट लागत प्रभावी दवाओं को सिफारिश कर सकते हैं और दवा उपचार करने में रोगी करना और उन पर सलाह देना, रोगियों की देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान प्रदान करना, टीके देने, स्वास्थ्य जांच करने, रोगियों को बढ़ाने और स्वास्थ्य को समझ बढ़ाने जैसे कामों की माध्यम से बीमारियों को रोकथाम के प्रस्तुत करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूक के लिए पहल का समर्थन करना, नई दवाओं को अनुसंधान और नवाचार में शामिल होना, फार्मा को विजिलेंस में सबसे आगे रहना जैसे कि एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य दवाओं का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करना, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारकों के प्रभावों पर विचार करके काम में अधिक पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को पेश करना, बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए नीति सुधारों पर जोर देना, स्थानीय और देशव्यापी स्वास्थ्य आपात निर्णय में अग्रणी भूमिका निभाना। साथियों, क्लिनिक जो फार्मासिस्ट की भूमिका बारे में जागरूक कार्यक्रम आयोजित करना, जैसे कि जैनिक दवाओं के बारे में जागरूकता, रोगी परामर्श हो गया, ये हम इसको बोलते हैं काउंसलिंग। हमने कहा कि जो भी कॉलेज में जो बच्चा डिप्लोमा करता है, बी फार्मेसी करता है या फार्मेसी करता है, वो लिख सकते हैं और उसके बारे में कोर्स जो है उसके फार्मेसी का बहुत बड़ा रोल है। वर्तमान अच्छे सारे लो पॉवर्टी लाइन है, वो अपनी ट्रीटमेंट पूरी कर सकें। जैसे कोई लेते हैं, जैसे डॉक्टर्स लिखते हैं 3 दिन की एंटीबायोटिक या 5 डेज की एंटीबायोटिक, वो 1 दिन की भी एंटीबायोटिक अफोर्ड नहीं कर रहे। दी स्टोर्स आर फॉर देम, कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। हमने अमृत स्टोर्स को इंट्रोड्यूस किया, 22 अमृत स्टोर्स खोले टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में। जितनी भी आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है, ये भी अमृत स्टोर भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। आज 25 सितंबर 2024 जो गांधीनगर हॉस्पिटल में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है, ये हर साल लगभग 2009 से ये इस्तांबुल तुर्की से शुरू हुआ और ये आज पूरे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में आज का दिन ये फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। मेन मकसद जो फार्मासिस्ट डे मनाने का ये नहीं है कि हम आज इकट्ठे हो गए तो भाषण दे दिए। फार्मासिस्ट का सोसाइटी में, कम्युनिटी में, समाज में क्या रोल है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज को, सोसाइटी को अच्छी दवाई, अच्छी सेहत के लिए अच्छी दवाई सही समय पे सही जगह डिस्पर्स की जाए, ताकि हम लोगों की अच्छी तरीके से देखभाल कर सकें, सेवा कर सकें। गीता में लिखा है नर सेवा नारायण सेवा। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी पूजा करने की, जो फार्मासिस्ट है जो लोगों की सेवा कर रहा है यही उसके लिए बहुत बड़ा एक आदर है। फार्मासिस्ट डे पूरे संसार में मनाया जा रहा है, इसका एक ही मकसद है कि जो हमारा यहाँ का ड्रग सिस्टम है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। जो लोग आज गलत दवाएं इस्तेमाल करके सोसाइटी में एक बहुत से इवल्स पैदा कर दिए हैं, उनको रोका जाए, लोगों को समझाया जाए कि सही दवाई क्या है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, और सही दवाइयों का इस्तेमाल लोग करें ताकि जो साइड इफेक्ट्स हैं दवाइयों के वो कम हो, और एक फार्मासिस्ट का जो रोल है इन सोसाइटी वो भी लोगों को उजागर किया जाए। यही आज के दिन मनाने का यही एक मेन मकसद है।